भी मुझे फोर्स करा इसको स्पेशल एजुकेशन में डालो बराबर में, 6 महीने के लिए डाल दो, मैं मान गया। 6 महीने के करते करते उन्होंने मेरे 2 साल निकाल दिए, लेकिन मैंने गौर नहीं करा। बच्चों कहते थे मुझे बाबा कहाँ डाल दिया, कहाँ फंसा दिया मुझे, मैंने इतना गौर नहीं करा। तो जब 2 साल उन्होंने निकाल दिए, मैंने फिर गौर करा, मैंने मेरे बच्चे को तो नॉर्मल में डाल दिया। इतना शार्प माइंड है, सिर्फ देखने में तो सिवा था ना, मुझे किस बात की, मेरे बच्चे को किस बात की सजा दी है। उस बच्चा को 2 साल पीछे कर दिया। आज मेरा बच्चा 8 में होता तो मैंने स्कूलों में घूमा, ये देखा मुझे स्कूल पसंद आया, मैं यहाँ आया और मैंने टारगेट कर लिया कि मुझे यहीं कराना है। हाँ अभी यहीं पढ़ रहा है, नहीं वो आए नहीं, कहीं गए हुए मम्मी के घर। तो मैं यहाँ प्रिंसिपल सर के पीछे पड़ गया कि कुछ भी हो मैं तो यहीं कराऊंगा। मैं हालांकि बहुत से स्कूलों में करा सकता था, अभी इसी साल कराया है, तो मैं बहुत सारे स्कूलों में करा सकता था, मेरी मतलब टैलेंट है मुझे। लेकिन मैंने एक नजर में इसको देखा और इसको टारगेट बना लिया कि मैं यही कराऊंगा। मैंने प्रिंसिपल सर को बहुत सताया, बहुत तंग करा, मैं बार बार आता रहा, पीछे पड़ गया, मैं आगे थोड़ा मैंने और एडमिशन करा लिया। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का और प्रिंसिपल सर का कि मेरी बात मान ली। मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ तो काफ़ी मैंने केयर करा हुआ है। और सर एक कल मैं आपका NDTV का प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें आपने बताया कि 32 करोड़ के पेरेंट्स को रिफंड मिला है, जबकि मुझे भारतीय विद्या भवन से 2 बच्चों का 1,20,000 रुपये रिफंड देना है। अब वो ये कहते हैं कि हमारा स्कूल जो है अपनी ज़मीन पर बना हुआ है, आप केजरीवाल साहब के पास जाओ या कोर्ट जाओ, जहाँ जाओ हम नहीं मिलेंगे। तो ये प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे को निकाल के उन्होंने यहाँ